बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले कहा था कि स्कूल की योजनाओं का लाभ लेने के लिए एससी एसटी वर्ग के लिए जो कंडीशन है उसे फ्री किया जाए। इसी मामले पर आज मांझी ने कहा कि 75% के आधार पर जो स्कॉलरशिप दी जाती थी उस पर कई संस्थानों ने विचार करने के लिए कहा था, सरकार इस पर मंथन कर रही है, अभी हमने विश्लेषण करके रिपोर्ट मांगी है, इसे पढ़ने के बाद फैसला लिया जाएगा। फाइल की बात है, ये तो बात आएगी, हम लोग ने सेक्रेसी का लिया है वर्त, तो इसलिए इस चीज को हम आप लोगों के बीच में नहीं कहेंगे, लेकिन इतनी बात हम जरूर कहते हैं कि जो 75% के आधार पर हम लोग जो स्कॉलरशिप देते थे उसमें बहुत सी संस्था, बहुत से लोग ऐसा पुनर्विचार करने के लिए कहा है, एक पर मंथन चल रहा है, उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों से विश्लेषण करके मांगा है रिपोर्ट, वो आने के बाद इस पर डिसीजन लेंगे। क्या चाहते हैं अभी पर्सनली हम नहीं, हमारा निर्णय पर्सनल नहीं होगा, हमारा निर्णय होगा कलेक्टिव, इसीलिए हम व्यक्तिगत संस्थाओं ने क्या डिमांड किया है, बहुत से संस्थाओं ने कहा है कि इसकी अपरिहार्यता को समाप्त किया जाए।